Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं, कौन ऐसा इंसान है जो आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माय अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स हु इज़ दिस पर्सन, सो दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द एस ऑफ वैंड्स, We do have the Eight of Swords, okay, we do have the Sun card, alright, let us see, alright, we do have the Two of Cups, so देखो Sun card के बाद क्या आ रहा है, Two of Cups आ रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अ वंडरफुल कार्ड। यहाँ पे है आपके लिए पाइशियस साइन हो सकता है, एक्वेरियस जेमिनाई लीब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि हो सकता है। यहाँ पे एक्वेरियस, ओके, अपार्ट फ्रॉम एयर साइंस देयर कैन बी फायर साइंस एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि हो सकता है। ऑल राइट, वी डू हैव द लियो, कैंसर पाइशियस स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है टू, इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 8, 19, 22, 19, 10, इस तरह के आप एंजल नंबर्स देख सकते हैं। बेसिकली कैसे होंगे वो इंसान, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनका शार्प वॉइस हो सकता है, मतलब इधर तो हैवी वॉइस से कमांडिंग वॉइस हो सकता है, मतलब थोड़ा सा सीरियसली बात करते हैं, और इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट मेमोरी है, राइट। मेमोरी स्किल्स अगर देखा जाए, जैसे हम बोलते हैं ना रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सो दे आर यू नो व्हाट दे आर मेमोरी कार्ड्स लाइक, बहुत कुछ उनके दिमाग पे स्टोर होता है। सो बेसिकली आई डू फाइंड दे आर सो क्रिएटिव, राइट, दे आर सो ब्यूटिफुल कि वो किसी को भी अपने चार्म से अपने और आकर्षित कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन आप डिवोर्स या सेपरेशन से जा रहे हो एंड लुकिंग फॉर अ पार्टनर, सो मुझे भी दिख रहा है ये इंसान इधर तो बहुत दिनों से सिंगल होंगे या सेपरेटेड होंगे या डिवोर्स्ड होंगे, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि दे कैन ऑल्सो हैव अ सन, ठीक है, दे कैन ऑल्सो हैव अ सन और अ डॉटर, मे बी चाइल्ड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी फासले हो सकते हैं आप दोनों में, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के साथ साथ हो सकता है कि पहली दफ़ा में आप लोग की सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे का फेस कम ही देखो। नाउ नाउ इट इज़ देर इज़ लॉट ऑफ यू कैन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो हो सकता है कि वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोग की बात होता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप मिलोगे थोड़ा सा बाद में। ये इंसान जो भी है आपके बारे में ए टू जेड पता करेंगे, ए टू जेड डिटेल्स दे विल नो अबाउट यू। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है इस तरह से है कि आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये आपको एक मतलब बहुत ही ज़्यादा यू विल बी मेस्मराइज्ड टू सी दिस पर्सन, एंड ये भी आपको देख के थोड़ा सा मेस्मराइज्ड हो जाएंगे, मतलब जैसे होता है ना कि मंत्रमुग्ध हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हो जाना आपको एक बार देखे, मतलब आपका एक बार तस्वीर उन्होंने देखा या आपकी आपके साथ पर्सनली बातचीत हुए तो इनके ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ देगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ मुलाकात हो सकता है विद इन अ मंथ, ओके, और विद इन अ वीक, या हो सकता है इन द मंथ ऑफ यू कैन से लाइक अक्टूबर नवम्बर, या यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन लेकिन आपको शक है कि ये इंसान जो है क्या पता कि ये मेरे साथ बराबरी का रिश्ता रखे, आपको थोड़ा सा शक होता है, ठीक है। एंड समटाइम्स यू कांट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और मुझे ऐसा दिख रहा है दे कैन बी एक्सलेंट, ओके, लाइक यू कैन से दैट दे आर वेरी गुड एंड एक्सलेंट इन फाइन आर्ट्स,
कॉमर्स, आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट, एनीथिंग लाइक दैट. एंड इवन आई डू फाइंड दे आर वेरी गुड इन साइंटिफिक एरिया. लाइक उनका मतलब अगर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पेस प्रोजेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमर्स बनना या पायलट बनना उनके ख्वाब है, ख्वाहिश है. इधर तो ऐसा करते हैं या एयर ट्रैवल हो सकता है, या एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं. दिक्कत इनको नहीं आता है, ये किसी भी रुकावट को अपने हाथों से ही ख़त्म कर देते हैं. एंड दे मूव वेरी स्मूथली. लाइक मतलब रुकावट आते हैं इनके ज़िंदगी में, बट ये इतना फॉर्चुनेट है कि वो रुकावट ज़्यादा दिन उनके ज़िंदगी को बिगाड़ता नहीं है. मतलब दे आर लाइक यू नो फॉर्चून, दे आर हाईली फॉर्चुनेट इन देयर करियर एज वेल एज आई कैन सी. लाइक अगर इनको कोई डीलिंग्स भी करना होता है ना, तो इतना अच्छा से निगोशिएशन करेंगे, इतना अच्छे से डील कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे कि सामने वाला इंसान जो है वो इम्प्रेस्ड हो जाएगा और बार बार इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अगर इनकी जॉब है तो. दे डील विथ लॉट ऑफ पीपल एवरी डे, हर रोज़ ये बहुत सारे इंसानों से बातचीत करते हैं, फिक्स करते हैं. लेकिन इनके अंदर एक मिस्टीरियस आप इंसान भी ढूंढ पाओगे. आपको लगेगा कि ये इंसान जो दिखाता है वो सत्य नहीं है, इसलिए आप इनके लिए ना बहुत ज़्यादा स्पाई एंड स्टॉक करना शुरू कर देंगे. देयर हेयर स्टाइल इज़ वेरी कैजुअल कुछ लोगों के लिए, और किसी के लिए मुझे दिख रहा है अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, सो दे आर लिटिल बिट ग्रूम्ड. बट आई डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए आपके जाने पहचाने इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आपके पापा का बेटा या बेटी हो इस तरह, मतलब सॉरी पापा का फ्रेंड का बेटा या बेटी हो उस तरह से मुझे दिख रहा है. या आपके पापा के बहुत दूर के जो रिश्तेदार है उनकी फ्रेंड्स हो, मतलब देयर इज़ सम काइंड ऑफ फैमिली कनेक्शन. आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोगों के लिए इस तरह से है कि ये इंसान जो है, जो भी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इनको पार्टीज़, मतलब प्राइवेट पार्टीज़ इनको पसंद है, ठीक है, और रेस्टोरेंट सेटअप, ठीक है, वहाँ पे जाके खाना खाना, मौज मस्ती करना, ये सब उनको बहुत पसंद है. नाउ लेट मी सी विद द अदर कार्ड्स. बहुत अच्छा से फीलिंग मेरा आ रहा है, वाइब्रेशन भी काफ़ी अच्छा है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, हु इज़ कमिंग इन देयर लाइफ, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सन ऑफ कॉइंस, वली. आई डू फाइंड मलिका ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्टाफ, सेवन कैन बी वेरी इम्पोर्टेंट. आशिका, थ्री ऑफ कॉइंस. सो यहाँ पे है एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, यहाँ पे है कैंसर साइन, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है जेमिनी. आई डू फाइंड लाइक दैट जैसे मैंने आपको कहा, आप इनके साथ एक वेल एडजस्टेड रिलेशनशिप में रहोगे, जहाँ पे ये देखेंगे कि बराबरी के साथ आपका हक आपको मिले. सो दे आर ऑल्सो यू नो वट, ये इंसान भी स्टैंड लेना जानते हैं. आपकी शादी, आपकी जो परमानेंट कनेक्शन ऐसे इंसान के साथ होने वाला है जो बिल्कुल जानते हैं कि किसको रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, कौन रेस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, और कभी भी किसी के साथ ना इंसाफी ना हो. इवन ये कोई एनिमल ह्यूमन, यू कैन से एनिमल राइट एक्टिविस्ट हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर हो सकते हैं. इनका काफ़ी ज़्यादा चैरिटी या डोनेशंस का हो सकता है कि वेबसाइट हो, वहाँ पे लोग आके डोनेशंस देते हैं और ये बहुत ज़्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो दैट्स वाई ब्लेसिंग्स के रूप में ना आप दोनों को काफ़ी आशीर्वाद मिलेगा. आप दोनों ही प्लान करोगे फॉर अ फ्यूचर हनीमून डेस्टिनेशन, और मे बी वो जगह सिंपल हो या बहुत ज़्यादा शानदार हो वो बात नहीं है, लेकिन आप दोनों का जो टुगेदरनेस, आई कैन फील द वाइब्रेशन इज सो मच. दिस इज़ योर सोल पार्टनर, नो डाउट दिस कैन बी योर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट वट एवर इट इज़,
आई डू फाइंड लाइक दैट यू नो वन कि यू विल बी इजिली एडजस्टेड ओके इन दिस रिलेशनशिप, मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कि ये कुछ और बोल रहा है मेरा पर्सन और मैं कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा क्यों करे। इवन अगर थोड़ा सा भी माइनर प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो ही जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दो दो बार आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इट्स लाइक दैट ना, आपके पर्सन अगर फीमेल है बहुत ज़्यादा ये इन्होंने ना काफ़ी कुछ झेला है, अत्याचार सहा है, टॉर्चर सहा है, मे बी एनी टाइप ऑफ यू नो व्हाट लाइक, इनको हमेशा पार्शियलिटी मिला है, इनको हमेशा धोखा ही मिला है। तो बहुत कुछ करते करते ना ये इंसान जो बन गए हैं एकदम स्टील की तरह मजबूत, ये किसी को अपनी ज़िंदगी में अलाउ नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस दे आर फुल्ली कन्फर्म्ड ऑफ द रिलेशनशिप। क्योंकि आई डू थिंक दे ऑल्सो समटाइम्स क्रैक जोक्स, दे कैन बी हीलर्स ओके, दे कैन बी टीचर्स प्रोफेसर्स, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ यू कैन से लॉ लॉ मेकर्स। ठीक है, जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट का लॉ बोर्ड बनता है वहाँ पे हो सकता है इंसान, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि ये इंसान जो भी है ठीक है अपने वश में लोगों को कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द कमांडिंग वॉइस, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। अगर ये स्टेज में खड़े हो जाए ना तो किसी का कुछ भी ठीक है उनके सामने जो है ना वो इन्फीरियर ही दिखेगा। आई डू फील लाइक दैट ये इनका स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर ये कोई कार ड्राइव करते हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं। इनका फेवरेट कलर ऑफ द कार दे कैन बी रेड, दे कैन बी मेटलिक ग्रे और दे कैन बी वाइट इन कलर, मे बी आई डोंट नो। अगर उनके पसंद हम देखने जाए तो इस तरह से, अगर उनकी ड्रेसेस की हम देखें तो पर्पल ब्लू रेड कलर पॉलका डॉट उस तरह से ये पसंद करते हैं। इनकी पुरखों की हो सकती है ज़मीन जायदाद हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा खेती होता हो, इस तरह से दिखाई दे रहा है। इफ़ दे लिव इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दे कैन लिव इन अ वेरी गुड पॉश अपार्टमेंट्स, जिस अपार्टमेंट्स भी हो सामने कोई वाटर बॉडी हो सकता है। ठीक है, अभी हम देख लेते कैन यू सी दिस पर्सन सो कूल एंड काम लाइक, चाहे जितने भी संघर्ष हो इनके ज़िंदगी में आपको कभी भी पता नहीं चले। दे कैन हैव दिस कर्ली टाइप लिटिल बिट कर्ली हेयर, दे लव टू वेयर ग्रीन क्लोथ्स ऑल्सो एट द सेम टाइम, देयर हार्ट चक्रा इज लाइक यू नो वन, ये इंसान उसी को अपना प्यार देने के लिए तैयार होंगे जिनको उनको महसूस होगा कि ये मेरा प्यार डिजर्व करते हैं। ओके, सो आई डू फाइंड लॉट ऑफ फेमिनिन एनर्जीज ओवर हियर। तो चलो यहाँ से देखते हैं हु इज दिस पर्सन, डीजी एंड कंफ्यूज्ड कभी कभी। अच्छा, ये इंसान आने से पहले आपके ज़िंदगी में कोई और इंसान आ सकते हैं लेकिन उनके साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। फर्नीचर शोरूम हो सकता है या फर्नीचर्स इनके घर में काफ़ी अच्छे हैं। ऑल राइट, चेंज ऑफ रेसिडेंस हो सकता है कि ये काफ़ी बार जॉब चेंज करते हो इसलिए इनका जो घर है वो बदलते रहते हैं। चेक मेल हो सकता है कि बहुत प्रोफेशनल हो, प्रोफेशन के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हो मे बी योर वर्क प्लेस। चेक योर पासवर्ड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी करते हैं, इनको अगर किसी के ऊपर भी शक हुआ तो एथिकल हैकिंग से आपके साइट्स वो देख सकते हैं। वो ज़रूर देखेंगे कि आप उनके विरुद्ध जाके कोई काम तो नहीं, क्योंकि इनका ट्रस्ट नहीं होता है। कुंडली मैचिंग इज रिक्वायर्ड, मे बी यू हैव मांगलिक दोष और दे हैव मांगलिक दोष। अ बुक वेर यू कैन फाइंड आंसर्स, अगर आप अपने सोलमेट के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं सो यू विल फाइंड दैट आंसर ओनली इन अ बुक नॉट थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, भले एक जनरल प्रॉब्लम, मैंने आपको कहा था ब्रूटल लाइव्स, इनके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ इसलिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने वो देखा है, इसीलिए पहले जैसा जो भी हो ये इमोशनल मतलब रोने वाले बंदा या बंदी नहीं होंगे। वो परफ्यूम्स इनको बहुत पसंद हो सकता है। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे विद द इनिशियल,
डी एच ई एन वी लोग उनसे काफी जेलसी फील करते. दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी यूनिक. सीनियर देन यू, दे कैन बी सीनियर और जूनियर. के ए ओ टी कशिश नाम हो सकता है किसी का. न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में हो सकता है उनका जॉब हो. रिजोल्यूशन, जो भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो सकता है कि डील करे. ओके, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हो सकता है या वहाँ पे वो जॉब करते हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है बहुत रिसेंट जो गैजेट्स आ जाता है, सपोज सम फोल्डेड मोबाइल हैज कम, तो ये वो यूज़ करते हैं. ओके, अलीशा नाम हो सकता है. और राइट, आशुतोष दिखा रहा है फिर से. आई डू फाइंड दे कैन बी अ यूट्यूबर. ओके, दे कैन बी वेरी फनी ऑल्सो एट द सेम टाइम. यस, फनी, एफ यू दैट इज वन. यस, फनी. ओके, आरव हो सकता है नाम किसी का. आरुषी, प्रियाशा. ओके, शेर, दे कैन बी अ लायन लाइक अ लायन क्वालिटी. ओके, सो दिस इज आवर एफडी. दे कैन बी द बैंक, फाइनेंसेस, समथिंग. देहरादून हो सकता है किसी का प्लेस हो, रेसिडेंस हो. ओके, आकाश हो सकता है किसी का नाम. हॉट, दे आर वेरी सेंशुअल, दे आर वेरी मच सेक्सी. ओके, हिट, इनका फ्लॉप कम होता है, हिट ज़्यादा होता है प्रोजेक्ट्स में. ठीक है, फ्लॉप कम होता है, हिट ज़्यादा होता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. लव यू अ लॉट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड bye.